इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू को छीलकर कट कर लिया। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया और इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे और इसे कुक होने के लिए चढ़ा देंगे। ये अच्छी तरीके से इसे कुक कर लेना है, उबाल लेना है। उबलते हुए इसे 10 मिनट हो चुका है, तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया हुआ है। तो चलिए गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। अब हम सबसे पहले इसके पानी को हटा देंगे। आलू के पानी को हटाने के बाद हम इसे गरम गरम में ही छन्नी में डालकर इसे छान लेंगे। इसे ठंडा नहीं करना है, गरम में ही इसे छान कर रेडी करना है। मैंने पूरे आलू को छान कर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम डालेंगे 2 कप चना का बेसन और इसे भी हम छान लेंगे। मैंने इस कप के मेजरमेंट से लिया है, तो चलिए हम इसे छान लेते हैं। वन फोर्थ कप सूजी डालेंगे बारीक वाला, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून अजवाइन, स्वाद के हिसाब से नमक, आलू को उबालते समय भी नमक का इस्तेमाल किया था, 1/4 कप ऑयल, 1/4 कप। अब हम इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसका डो लगाकर रेडी करेंगे। आप चाहे तो इसमें हल्दी, मिर्ची और लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे प्लेन बना रही हूँ। बिना पानी डाले मैंने इसका नॉर्मल डो लगाकर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए हम इसे 15 मिनट तक रेस्ट करने देते हैं ताकि सूजी और बेसन जो है अच्छी तरीके से फूल कर रेडी हो जाए। इसे रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसका छोटा छोटा सा बॉल तोड़कर रेडी कर लेते हैं। मैंने कुछ बॉल बनाकर रेडी कर लिया है, तो चलिए एक बॉल लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसका पूरी बेलकर रेडी कर लेंगे। फिंगर की सहायता से हम पूरी को बनाकर रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मोटा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। इसी तरीके से सारी पूरी को तैयार करेंगे। मैंने कुछ पूरी बनाकर रेडी कर लिया है, तो चलिए फोक की सहायता से हम इसके बीच में होल करेंगे ताकि पूरी फूले नहीं। मैंने पूरी के ऊपर होल करके रेडी कर लिया है। यहाँ तेल भी हल्का गर्म हो चुका है, तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हल्का गर्म तेल में ही इसे डालना है, बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है। मठरी जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हम बाकी के बचे हुए लोई का भी पूरी बनाकर रेडी कर लेते हैं। आप इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये इतना आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। दूसरे साइड से भी 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर इसे इस तरीके से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से क्रंची फ्राई होकर रेडी हो जाए। 1 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये फ्राई होकर रेडी हुआ है। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के सारे मठरी को फ्राई कर लेते हैं।
हम कढ़ाई में उतना ही मठरी डालेंगे जितना तेल हो। मठरी जो है तेल के अंदर अच्छी तरीके से डूबा हुआ होना चाहिए। सभी मठरी को फ्राई करने के बाद मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए हम आपको इस मठरी को तोड़कर दिखाते हैं कि ये जो मैंने मठरी फ्राई किया है ये क्रंची फ्राई होकर रेडी हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये फ्राई हुआ है और ये हेल्दी भी है। तो चलिए हम इसे तोड़ते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रंची है ये। आप इसे एक बार बनाएं और महीना दिन तक किसी भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रखें और खाएं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे।